तारीख 28 मार्च श्री हरि जयंती के दिन प्रार्थना मंदिर में विराजित श्री भक्ति नंदन घनश्याम महाराज का अभिषेक किया गया। रात को 9:30 बजे से कीर्तन भक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री घनश्याम प्रागट्योत्सव आदि कार्यक्रम मनाए गए। दिनांक 6 अप्रैल को सूरत गुरुकुल विद्यालय में वर्ष दौरान आयोजित स्पर्धाओं में विजेताओं को इनाम वितरण का कार्यक्रम रखा गया। 690 स्पर्धकों को पूज्य श्री धर्म वल्लभ दास जी स्वामी के कर कमलों से इनाम वितरण किया गया। तरौड़ा गुरुकुल के समाचार। दिनांक 18 मार्च को प्राथमिक और माध्यमिक के विद्यार्थियों का वार्षिक दिन मनाया गया। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों ने नृत्य करके सभी के दिल जीत लिए। पूज्य कृष्ण प्रिय दास जी स्वामी ने वालियों की फर्ज के बारे में जागृत किया। पूज्य धर्म वल्लभ दास जी स्वामी ने बहुत अल्प काल में तरौड़ा गुरुकुल ने जो प्रगति की है उसे सराहा। अंत में पूज्य गुरु महाराज ने सभी वाली और विद्यार्थियों को आशीर्वचन दिए। श्री धर्म जीवन स्वामी प्राथमिक और माध्यमिक शाला में कक्षा 1 से 9 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को और राज्य व जिला स्तर पर स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पूज्य कृष्ण प्रिय दास जी स्वामी द्वारा पुरस्कृत किया गया। आगामी जनमंगल महोत्सव निमित्त खांबा तहसील के मोटा समडियाला गांव में दिनांक 30 मार्च से 1 अप्रैल तक अक्षर निवासी श्री बचूभाई शेलड़िया की पुण्य स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता पूज्य कृष्ण प्रिय दास जी स्वामी थे। इस अवसर पर जूनागढ़ गुरुकुल से पूज्य ज्ञान स्वरूप दास जी स्वामी और तरौड़ा गुरुकुल से पूज्य घनश्याम जीवन दास जी स्वामी पधारे और अंत में पूज्य गुरु महाराज भी यजमान परिवार की प्रार्थना से इस व्याख्यान माला में पधारे थे। हैदराबाद गुरुकुल के समाचार। दिनांक 8 मार्च के दिन कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के समावर्तन संस्कार समारोह मनाया गया। छात्रों ने अपने गुरुकुल काल के अनुभवों का वर्णन किया। बाद में पूज्य देव प्रसाद दास जी स्वामी का पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त किए। सभी विद्यार्थियों की तरफ से गुरुकुल संस्था में एक ट्रैक्टर सेवा में भेंट स्वरूप अर्पण किया गया। इस अवसर पर उत्त प्रकाश अग्रवाल उपस्थित रहे और जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी बातें कही। दिनांक 19 मार्च को कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समावर्तन संस्कार रखा गया। विद्यार्थियों की तरफ से 10 कंप्यूटर सेवा में अर्पण किए गए।
दिनांक 28 मार्च। श्री हरि जयंती के दिन सुबह 6:30 बजे महापूजा के पश्चात श्री घनश्याम महाराज का अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद ठाकुर जी को 108 मिष्ट भोजन का अन्नकूट अर्पण किया गया। रात के 10:10 पर श्री घनश्याम महाराज के प्रागट्य उत्सव में ठाकुर जी की आरती की गई। नवसारी गुरुकुल के समाचार। श्री हरि जयंती के दिन संत भक्तों ने 12 घंटे अखंड धुन का आयोजन किया। रात को 9 बजे कीर्तन भक्ति और शास्त्री श्री हरि मुकुंददास जी स्वामी ने कथा वार्ता का लाभ दिया और श्री हरि प्रागट्योत्सव मनाया गया।